अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जमीन हमारे निजामी शमसी में सबसे ज्यादा घना सियारा है। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द अवर सोलर सिस्टम। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा तीसरा सियारा है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी हमारे शमसी निज़ाम का सबसे छोटा सोलर सिस्टम है। उसके साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। फैक्ट ऑफ द डे, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। वीनस हमारे शमसी निज़ाम का सबसे गर्म तरीन सियारा है, तो वीनस के लिए एक लाइक करें। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। मार्स सूरज का चौथा सियारा है और स्मॉलेस्ट प्लेनेट सेकेंड नंबर पर हमारे सोलर सिस्टम का। जी हाँ, धरती का रखवाला जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर हमारे शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है और धरती का एक हेल्पफुल, धरती का एक मददगार प्लेनेट जुपिटर है। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सैटर्न सूरज से छठे नंबर पर प्लेनेट है और सबसे दूसरे नंबर पर प्लेनेट बड़ा है वो सैटर्न है, तो सैटर्न के लिए एक सब्सक्राइब। नेपच्यून इज द एट्थ एंड फॉर्टेस्ट नॉन सोलर प्लेनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून आठ नंबर पर है और सबसे दूर है हमारे शमसी निज़ाम और सूरज से। मून, द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। जो चांद है वो धरती का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है और पांचवें नंबर पर चांद है हमारे सोलर सिस्टम में। सन इज अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूरज एक गर्म तरीन बाल की तरह जो भरा हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक सेंटर पर हमारे सोलर सिस्टम में। कमेट, कमेट्स आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डस्ट एंड आइस दैट ऑर्बिट द सन। कमेट एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो भरा हुआ है दस की तरह, मिट्टी के जो दस है उससे, और आइस से, बर्फ से, जो घूमता है सूरज के गिर्द। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। रॉकेट्स आर नेम आफ्टर द इटालियन वर्ड रोचिटा विच मीन्स लिटिल स्पैंडल। रॉकेट्स आर यूज्ड टू लॉन्च स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का जो नाम पड़ा है वो एक्चुअली इटालियन वर्ड रोचिटा से पड़ा हुआ है, जिसकी मीनिंग ये बताती है हमें, रॉकेट स्पैंडल, जिसका काम क्या है, स्पेस में जाना, स्पेस में क्राफ्ट करना, स्पेस में जाकर वहाँ पर उतरना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके।